हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो ये है फ्राइडे की क्लिप है शाम की। तो मैं अपना व्लॉग शाम से ही शुरू कर रही हूँ और आहना यहाँ लेटी हुई है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वो सो के उठी थी। और मैं यहाँ पर झाड़ू लगा चुकी थी तो पोछा लगा रही थी मैं। तो बस यहाँ शाम का तो होता ही है, झाड़ू पोछा लगता ही है। और ये देखिए, जो मैंने अपनी एनिवर्सरी पे जो डेकोरेट करा था ना, वो मैं लाइट अब जला के रखती हूँ, अच्छी लगती है। आरना को भी बहुत अच्छा लगता है ये, तो उसने ही जलवाई थी तो मैंने जला दी थी। और बलून भी वैसे के वैसे ही लगे हुए थे। हाँ, बस एक बलून था जो मैंने आरना के लिए निकाल कर दे दिया था, वो मांग रही थी। तो यहाँ मैं पूरे घर में मॉपिंग कर दूँगी अच्छे से, क्योंकि हम 9th फ्लोर पर रहते हैं ना, तो मिट्टी ना आ ही जाती है। अगर गेट वेट बंद रहते तब भी आ ही जाती है मिट्टी। मॉपिंग करने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ। और चाय तो मैं नहीं बनाऊँगी शाम की क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। मैं आज बनाऊँगी मोहितो। तो उसके लिए मैंने आधा ग्लास पानी ले लिया है और उसमें 1 चम्मच के करीब मैंने चीनी ऐड कर दी है। तो इसको मैं मिक्स कर लूँगी, इस पानी चीनी को। और ज़्यादा मीठा नहीं लेना है, बहुत ही कम रखना है चीनी। तो उसको मैं मैश मिक्स करने के बाद तो मैं ले लूँगी 1 नींबू। तो नींबू को मैंने आधा काट लिया है और आधे काट जो आधा कटा हुआ नींबू को भी मैं उसमें से आधा कर लूँगी, 2 बना लूँगी। तो और पुदीने के पत्ते भी मैंने ले लिए हैं। तो बस यहाँ मैंने ये सब ले लिया है। पुदीने के पत्ते मैंने ग्लास में डाल दिया है और मैं इसी ग्लास में बनाती हूँ क्योंकि मुझे मैश करने में आसानी रहती है। तो नींबू के मैंने बीज भी यहाँ निकाल दिया है और 1 नींबू अच्छे से मैंने डाल के उसको मैश कर रही हूँ ताकि पुदीना और नींबू अच्छे से मिक्स हो जाए दोनों एक दूसरे में। तो ये देखिए, जो चीनी का वो होता है वो भी है और वो भी नींबू और पुदीने का भी अच्छे से मैश कर लिया मैंने। तो अब इसको हम बना लेते हैं। तो मैंने ले लिया एक कांच की बोतल छोटी वाली, उसमें मैंने जो बनाया है नींबू और पुदीना वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी। और ऐड करने के बाद ये जो मैंने चीनी का घोल बनाया था उसको भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और चीनी का घोल डालने के बाद मैंने लिया है स्प्राइट, तो उसको भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी क्योंकि अच्छा लगता है स्प्राइट और मोई तो बनता ही इसी चीज़ से ही है। तो मेरी निगाह थोड़ी सी बाहर चली गई, ध्यान नहीं दिया और वो ऊपर तक आ गया था। तो उसका जो पुदीना जो बाहर निकल गया था उसको भी इसके अंदर डाल के और बॉटल की कैप लगा के इसको मैं अच्छे से धीरे धीरे हाथों से सेक कर लूँगी। शेक अच्छे से मिक्स करना है इसको। तो ये देखिए, ये बिल्कुल तैयार है बनके। तो मैंने 1 ग्लास में भी बना लिया था। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। आ जाइए, आप सब भी मेरे साथ इंजॉय करिए। तो मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है और वाकई में बहुत अच्छा लगता है। गर्मी आ गई है तो बनता ही है, तो गर्मी में थी। और इसके बाद फिर मैंने खाना डिनर विनर बना लिया था। तो यहाँ हम खाने लग गए थे। खाना मैंने शूट नहीं करा था क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो बस मैंने एग करी बनाई थी, तो वही इंजॉय कर रहे हैं। खीरे हैं, आ जाइए आप सब भी मेरे साथ डिनर इंजॉय कर लीजिए। तो कंटिन्यू तो कर नहीं पाई थी मैं। तो फिर मैं मॉर्निंग में उठी थी, लेट उठी थी 11 बजे करीब। तो मैंने उठते ही मैंने सबसे पहले मशीन लगाई और मशीन में मैं आरना के ही सबसे पहले कपड़े वॉश करती हूँ डेटॉल वगैरह डाल के। तो फिर कपड़े वॉश हो रहे थे, फिर मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में। अभी आ गई थी मैं तो किचन में, मैंने छोटे छोटे आलू काट लिए थे, उसको फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मैं आज बनाऊँगी नमकीन जवे। तो उसके लिए मैंने यहाँ फ्राई कर रही हूँ आलू छोटे छोटे से। और उसके बाद फिर मैंने उसके कढ़ाई में डाल दी थी राई और आलू को थोड़ा साइड कर दिया था ताकि राई भी अच्छे से पक जाए। और ये ब्लैक वाली राई नहीं थी, ये लाइट पीली होती है ना वो वाली थी। तो बस ये हल्का सा कलर इसका चेंज हो गया था। तो फिर मैंने अब सबको मिक्स कर दिया है। टमाटर इसमें और सॉरी प्याज इसमें ऐड कर दिया मैंने। और हरी मिर्च नहीं डाली थी क्योंकि मैं आरना नहीं खाती है, इसलिए मैं हरी मिर्च बहुत कम डालती हूँ। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दूँगी। तो उसको हम चला लेंगे और थोड़ा सा मैं नमक ऐड करूँगी। तो नमक मैं हाथ से ही डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें मैगी मसाला डालना है और मैगी मसाले में नमक होता है, ये मैंने आपको बताया भी था।
तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं मटर ऐड कर दूंगी, और ये जो मटर है ये फ्रोजन वाली मटर है। तो इसको ऐड करने के बाद तो इसमें मैं थोड़ा सा वही डाल दूंगी, एक पैकेट था मैगी मसाले का वो ऐड कर दिया है इसमें मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और इसमें मैं फिर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी इसके अंदर, क्योंकि जवे जो है वो थोड़े से हैं, तो यहाँ मैंने उसके अकॉर्डिंग ही मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो बस पानी में अच्छे से मैं मिला के अब मैं इसमें जवे ऐड कर दूँगी, और ये जवे जो है ये रोस्टेड वाले जवे हैं, तो इसको मैंने फ्राई नहीं करा था। तो बस ये हम जब तक ढक के बने पकाया है, तो ये देखिए कितने अच्छे से बन गए, खिले खिले बने हैं, एक एक चीज़ दिख रही है इसमें। तो इसमें मैं ऊपर से धनिया के पत्ते ऐड कर दूँगी, तो उसको देखने में और भी अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ मेरा ये ब्रेकफास्ट भी बनके तैयार हो गया था, और आप सब भी एक बार ट्राई करना, इस तरीके से नमकीन जवे बहुत अच्छे बनते हैं। तो मेरी चाय भी बन गई थी इस टाइम पर, तो काफ़ी लेट हमने ब्रेकफास्ट करा था, तो चलिए आप उसको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, तो आइए आप सब भी मेरे साथ मेरा ब्रेकफास्ट इन्जॉय करिए। तो नाश्ता करने के बाद मैं यहाँ पर मेरे कपड़े भी वॉश हो गए थे, तो वो मैं सुखा रही हूँ, क्योंकि जब तक मैं नाश्ता कर रही थी तो मेरे कपड़े धुल रहे थे यहाँ पर, तो सूख गए थे, मतलब दो ये दूसरी बार के कपड़े हैं, पहली बार के भी मैंने डाल दिए हैं, तो मैं अभी अंदर ही डाल रही, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ही तेज़ धूप है और धूप में मुझसे नहीं खड़ा हुआ जाता, तो मैं पहले अंदर ही कपड़े सुखा लेती हूँ, फिर बाहर जाके इसका स्टैंड मैं बाहर रख देती हूँ, बालकनी वगैरह साफ़ करके फिर मैं ये चीज़ रख देती हूँ। तो यहाँ मैं कपड़े सुखा लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, कैसे हो आप सब? और सॉरी, मैं कल वीडियो पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, क्योंकि कल थोड़ी तबीयत से ठीक नहीं थी मेरी, और आज भी नहीं है। सच बताऊं कि आज मैं बहुत लेट उठी हूँ, बहुत लेट मतलब मैं उठी हूँ 11 बजे के करीब उठी हूँ। उठते ही सबसे पहले मैंने कपड़े वॉश करने के लिए छोड़ दिए, रख दिए थे, और फिर मैंने नाश्ता बनाया था, क्योंकि सुबह मतलब रात को ना मेरे कमर में दर्द हो रहा था, पता नहीं या तो ठंड की वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, तो बहुत दर्द हो रहा था रात कमर में, तो इसलिए पूरी रात नींद नहीं आई, तो सुबह फिर मैं थोड़ा लेट तक सोई थी, बस ये। और मेरा काम आज बहुत लेट हो रहा है, सच बताऊँ तो मेरे कपड़े वॉश हो गए हैं, बस उनको मैंने अभी मैं बालकनी में रखूँगी, और मॉपिंग रह गया, झाड़ू मैंने लगा दिया, मॉपिंग रह गया, बस नहाना और क्या रह गया, और वॉशरूम साफ़ करना, मेरा अभी इतना काम रह गया है। अभी आरना को भी नहलाना, पता है टाइम क्या हो रहा है, मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ, ये देखिए 1:15 हो रहा है, और अभी मेरा कुछ काम हुआ। हाँ बस ये अभी नाश्ता, लंच तो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि नाश्ते हमने लेट करा था, और नाश्ते मैंने नमकीन जवे बनाए थे और अच्छे बने थे, आप सब भी एक बार जरूर ट्राई करना। तो चलिए मैं ना काम कर लेती हूँ, और फिर आरना भी बोल रही है सोने के लिए, उसका भी टाइम हो चुका है सोने का, तो पहले मैं मॉपिंग कर लेती हूँ, नहीं तो फिर अगर मैं उसको नहला दूंगी ना अभी, तो फिर पूरे मैं फिर दोबारा पैर छप जाएंगी, तो मैं अब ये भी काम खत्म कर लेती हूँ, पहले कपड़ों का स्टैंड बाहर रखती हूँ। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, रात को बहुत तेज बारिश हुई थी, अच्छा हो रहा है मौसम, मुझे लग रहा है शायद उसकी वजह से ही अब मेरे कमर में दर्द शुरू हो गया है, क्योंकि हवा ये रूम ठंडा हो गया था काफ़ी, तो शायद हो सकता है उसकी वजह से मुझे कमर में दर्द हो गया था। तो चलिए मैं काम कर लेती हूँ, ये वॉशरूम है, इसको मुझे साफ़ करना है, जब नहाने जाऊँगी तब साफ करूँगी इसको मैं, और ये स्टैंड है, ये कपड़े मैं रखती हूँ, उसको बाहर रखती हूँ पहले।
खत्म करके ना मैं सो गई थी, खाना वाना खा लिया, लंच कर लिया था और कपड़े उतार के लेकर आई हूँ, तय लगानी है। और आज मैं बनाऊंगी सब्जी, देखती हूँ जा रही हूँ सब्जी काटने जा रही हूँ मैं, तो कपड़े की तय तो मैं बाद में लगाऊंगी, मैं पहले सब्जी काट लेती हूँ क्योंकि टाइम हो गया है, खाना बनाने का भी टाइम शुरू हो गया है। तो सॉरी खांसी आ गई है, तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और ये ना ये जाली ये लगा दी है ताकि वो गेट आराम से खुल जाए, क्योंकि ना मच्छर बहुत आते हैं फिर रात में ना, तो इसलिए ये जाली लगा दी है, खिड़की खोल दी है। और ये रूम बहुत ठंडा हो जाता है इसकी वजह से, बहुत ठंडा हो जाता है क्योंकि अभी एसी हमने लगवाया नहीं है, क्योंकि जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे ना तो हमने सोचा चलो लगवा लेंगे, फिर यही ये कोरोना वायरस फैल गया तो उसकी वजह से ना हमने लगवाया और ना हम किसी को बुला सकते हैं, तो वो वाला काम रह गया है, अभी देखो कब लगता है वो। तो चलिए मैं सब्जी काट लेती हूँ पहले। तो भिंडी काटने के बाद मैं किचन में आ गई थी, तेल गरम हो गया है, मैंने इसमें डाल दिया प्याज, तो प्याज को भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और आज मैं बनाऊँगी महारानी भिंडी, है ना, नाम सुनने में लग रहा होगा महारानी भिंडी, तो जी हाँ आज मैं वही बनाऊँगी महारानी भिंडी। तो भिंडी और ये जो प्याज है मैंने लंबी लंबी ही काटी है, और इसमें फिर मैंने लहसुन और अदरक ऐड कर दिया है, तो बस इसको मुझे इनको पीसना है इसलिए मैंने मोटा मोटा ही रखा है। तो यहाँ देखिए मेरी प्याज जो है वो अच्छे से ना फ्राई हो गई है, तो टमाटर मैंने नहीं डाला है इसमें, सिर्फ मुझे प्याज ही डाली है, और इनको मैं निकाल लूँगी। और थोड़ा सा मुझे इसमें तेल दिख नहीं रहा था, थोड़ा सा एक बहुत कम था, तो इसमें थोड़ा सा मैं तेल भी डाल दूँगी क्योंकि मुझे इसमें भिंडी फ्राई करनी है, और भिंडी फ्राई जब तक भिंडी मेरी फ्राई होती रहेगी ना तो उतनी देर में जो मैंने प्याज फ्राई करी थी ना वो भी ठंडी हो जाएगी। और ये जो भिंडी है ये मैंने तेज मतलब इंडक्शन को मैंने हाई पे कर रखा था क्योंकि मुझे हाई पे ही इसे फ्राई करना था, और बीच बीच में मैं चलाती भी रह रही थी, तो 5 मिनट तक मैंने इसको हाई पे ही इसे फ्राई करा था, मुझे हल्का सा सॉफ्ट चाहिए था, ज़्यादा गला हुआ नहीं चाहिए था। तो देखिए ये फ्राई हो गई है, अब मैं इनको निकाल रही हूँ, तो उतनी देर में मेरा जो प्याज जो थी वो भी ठंडी हो गई थी, तो उनको भी उसको भी मैं पीस लूँगी, उसका पेस्ट बना लूँगी। तो यहाँ मैंने तेल उसी तेल में बच गया था, उसी तेल में मैंने राई डाल दी है, तो राई का कलर जब तक ब्लैक नहीं हो जाता तो उसको पकाना है अच्छे से। तो देखिए अच्छा से इसका जो कलर है राई का वो बदल गया है, इसमें मैंने थोड़ा सा अब जीरा ऐड कर दिया है, तो जीरे को भी अच्छे से मैं उसे भून लूँगी। और 2 लाल मिर्च ले ली है और 1 हरी मिर्च डाल दी है इसमें, तो बस इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी इनको। अब जो मैंने पेस्ट बनाया था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि अब मुझे ज़्यादा भूनना तो है नहीं, ज़्यादा पकाना नहीं है प्याज क्योंकि वो ऑलरेडी ही पकी हुई है, बस इसको अच्छे से चला लूँगी मैं। तो चलाने के बाद मैं इसमें जो भी बेसिक मसाले होते हैं वो मैं सारे ऐड कर दूँगी, तो यहाँ मैंने हल्दी भी ऐड कर दी है, चला लेंगे उसको अच्छे से, मिक्स कर लेंगे मसाले में। अब मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी, 1 चम्मच के करीब मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दूँगी और लाल मिर्च पाउडर। तो ये जो लाल मिर्च है ये कश्मीरी वाली लाल मिर्च है, मैं सोच रही थी कि वो भी ऐड कर देती हूँ तीखी वाली, बट नहीं मैंने फिर कश्मीरी वाली ही लाल मिर्च ली है क्योंकि उसका कलर भिंडी में और भी अच्छा निकल कर आएगा, तो देखने में भी भिंडी बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ मेरे मसाले फ्राई हो गए हैं, तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, स्वाद के अनुसार नमक मैंने डाल दिया है इसमें, बस इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी ताकि मसाला जले नहीं और अच्छे से मिक्स हो जाए।
अच्छे से पक जाए। तो बस इसको मैं 2 मिनट तक ढक के पकाऊंगी। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए मसालों ने तेल छोड़ दिया है, कितने अच्छे से मसाला पक गया है ना। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 कटोरी दही, क्योंकि मैं बना रही हूँ महारानी भिंडी तो उसमें दही पड़ती है। तो यहाँ बस अच्छे से मैं दही को मिक्स कर लूँगी अच्छे से, और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी क्योंकि दही भी वैसे पानी छोड़ देती है, निकल जाता है दही में पानी भी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा रखा है। और इसको फिर मैं 2 मिनट तक फिर पकाऊँगी ताकि वो अच्छे से दही मिक्स हो जाए मसाले में। ये देखिए कितने अच्छे से कलर निकल कर आया है ना। तो बस यहाँ थोड़ा सा चला के फिर मैं इसमें भिंडी ऐड कर दूँगी। तो भिंडी को भी अच्छे से चला लेंगे। तो इसमें मैं कोई पानी ऐड नहीं करूँगी, मुझे बहुत कम ग्रेवी चाहिए। तो बस ये इसी में ही बन जाएगी। तो 5 मिनट तक मैंने इसको ढक के पकाया था। तो चलिए मैं इसको चेक कर लेती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी, इतना अच्छा कलर आया है ना इसका, और जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए थी ना उतनी ही ग्रेवी निकल कर आई है। बहुत अच्छी बनी थी सब्ज़ी, क्योंकि हमने तो खा लिया है, तो मैं बस रात को एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे पता है सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। महारानी भिंडी है सब्ज़ी का नाम। तो आप सब भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत अच्छी बनती है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। तो मैंने इसको छोटे से उसमें निकाल लिया है, हांडी में, छोटी सी हांडी में मैंने निकाल लिया है। तो अभी मैंने डिनर नहीं करा था। तो ये देखिए कितनी सुंदर लग रही ना देखने में, जितनी सुंदर देखने में लग रही ना उतनी ही अच्छी खाने में भी लग रही थी। तो बस खाना वाना बनाने के बाद मैं बालकनी में, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, ये देखिए बहुत सुंदर मौसम हो रहा था। मन तो कर रहा था बाहर जाने का, पर वही है ना, नहीं जा सकते। बहुत सुंदर मौसम हो रहा था। तो डिनर का भी टाइम हो गया था, तो हमने फिर डिनर भी करने लग गए थे। तो ये देखिए मैंने पराठे बनाए हैं भिंडी के साथ। तो आप पराठे भी बना सकते हो, पूड़ियाँ भी बना सकते हो, बहुत अच्छी लगती है। तो आइए आप सब भी मेरे साथ एंजॉय कर लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और हाँ मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।